ये बर्गर है या फिर मशरूम? सवाल तो यही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मशरूम है जो कि बर्गर की शेप में है। आपको कहीं कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी दुकान में जाने की जरूरत नहीं। मशरूम खाओगे आपका विटामिन डी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आपको बहुत सी बीमारियां नहीं लगेंगी। और ये शुद्ध वातावरण में भी ऐसी सब्जी होती है, वैसे कुछ भी मिलावटी नहीं है इसमें, सभी कुछ रियल में है, असलियत है। लग तो सही रहा, बाकी पता नहीं जी क्या नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। वहीं अगर बात करें इन अलग अलग वैरायटी की मशरूम की, तो इनके क्या क्या यूज है, किस तरीके से जो है हम इनको अपनी डाइट में ले सकते हैं, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जो है हरियाणा के जो भी किसान है वो जानते हैं इस तरह की जो वैरायटी है यहाँ मशरूम की मिलती है, और उसके अलग अलग फायदे भी और अलग अलग यूज भी है। आज तक आपने जितनी मशरूम देखी होगी उसमें शायद ही इतनी वैरायटी देखी होगी और अलग अलग कलर्स देखे होंगे, तो जान लेते हैं इनसे कि इस तरह की जो मशरूम है कैसे उगती है और क्या कारण है इसके रंगों का। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम हरजोत सिंह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रीजनल मशरूम रिसर्च सेंटर मुरथल में। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल, और उसके अंदर क्या है कि हम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जितना भी अपने हरियाणा में होता है उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसका एरिया वाइज बढ़ाने के लिए हम लगातार गतिशील कर रहे हैं काम को। और उसके अंदर जैसे वेजिटेबल्स जहाँ अपने हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में आती है मशरूम, तो ये मशरूम जो आप देख रहे हो ये रीजनल मशरूम रिसर्च सेंटर के डेमोस्ट्रेशन जो हम करते हैं फार्मर्स के लिए, तो वो बैग हैं। और इसमें आपके सामने ये वाइट बटन मशरूम है, सफ़ेद खुम्बी जो आप देखते रहते हो, आगे आगे पीले रंग की येलो ओस्टर, इसको पीली डिंगरी भी बोल सकते हो। ये गुलाबी रंग की डिंगरी है, वो आगे सफ़ेद रंग की है, और ये इस साइड आगे ग्रे रंग की, ठीक है। ये चार तरह की आपको डिंगरी देखिए। फिर एक आपको यहाँ दिख रही होगी, इसको बोल देते हैं कंचप्टा मशरूम, और ऑरिकुलेरिया इसका इंग्लिश में नाम है। और ये जो आपको बर्गर टाइप दिख रही है इसका नाम है पोर्टोबेला। क्या ये सारी मशरूम एडिबल है? हाँ बिल्कुल, मशरूम जो भी हम उगाते हैं वो एडिबल है, ठीक है। हाँ, जंगलों में जहाँ कहीं आपको रास्ते में जो मिलती है वो जरूरी नहीं है वो एडिबल हो, वो जहरीली भी हो सकती है। सर क्या कारण मानते हैं कि ये जो इस तरह की जो हम मशरूम देख पा रहे हैं वो इतनी खिलकर निकल के आ रही हैं? देखिए, मशरूम इसी तरह से आती है, मुझे नहीं पता आपने पहले देखी है कि नहीं, पर ये जो आपको अच्छी लग रही है, रंग बिरंगी लग रही है, तो बड़े आसानी से हो जाती है, इसके लिए कोई खास नहीं करना पड़ता। लेकिन किसानों को हमने काफी जागरूक किया है। हमारा जो रीजनल सेंटर है वो ट्रेनिंग्स करवाता है 5 दिन की, उसमें अपने हरियाणा के अलावा देश भर के फार्मर्स आते हैं और वो यहाँ आके ट्रेनिंग्स लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम की। तो लेकिन हमारे क्या है कि फार्मर्स को ये देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उगाने तरफ कम जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं होगी कि नहीं। तो हम डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए कर रहे हैं कि भाई बड़े आसानी से छोटे छोटे बैग्स में हो जाती है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर रहे हैं तो आप ही कर सकते हो। सर ये जो मशरूम आपने उगा रखी है इससे कितनी जो है एक व्यक्ति कमाई कर सकता है, अगर बात करें इस सारी वैरायटी को हम अपने पास रखें तो? देखिए, कमाई का सीधा सा फंडा आ जाता है कि उसके पास रॉ मटेरियल क्या है। अगर घर का है तो उसके पास जो रेशो बन जाएगी, बीसी रेशो हम बोल देते हैं, वो 4:1 बन जाती है, मतलब वो 400 गुना तक कमाई कर सकता है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल बाहर से ले रहा है, किसी अपने दोस्त से ले रहा है, कहीं से मतलब पैसे दे के ले रहा है, तो वो रेशो रह जाती है 2:1, मतलब 200% तक उसको कमाई हो जाती है इन मशरूम से। लेकिन अगर इसमें भी मैं आगे बात करूं, थोड़ा सा अगर इसमें ब्रीफ जाऊं, तो ये जो सफ़ेद खुम्बी है इसमें कमाई थोड़ी सी कम रहती है डिंगरी के मुकाबले में। लेकिन बात करें हरियाणा में सबसे ज्यादा यही मशरूम देखने को भी मिलती है, ज्यादा पैदावार होने की वजह से, मार्केट में ज्यादा बिकने की वजह से सफ़ेद खुम्बी होती है। लेकिन अगर कमाई के मामले में देखे जाए तो फार्मर को इसमें कम और डिंगरी में ज्यादा मिलती है। क्या जो है सभी किसान इस मशरूम का फायदा उठा पा रहे हैं, इस मशरूम की खेती को जान पा रहे हैं? क्या कृषि मेले में इसका जो है जो आपने ये दिखाई है उसका आपको देखने को मिल रहा है प्रभाव? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। वैसे हमारा जो सेंटर है वो प्रदेश भर क्या पूरे अपने देश भर में ही प्रसिद्ध है और सभी को रीजनल मशरूम रिसर्च सेंटर मुरथल का पता है। लेकिन कुछ अपने यहाँ के जो फार्मर हैं वो इस चीज से अवेयर नहीं थे, तो हमने यहाँ आके स्टॉल लगाई, ये अलग अलग तरह की अपनी मशरूम दिखाई, तो उसका फायदा ये हुआ कि उनको पता लगा कि भाई मशरूम इतने रंग की होती है, इतने प्रकार की होती है। और उनसे हमने ये जो आपने इस तरफ देखे होंगे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं मशरूम के, ये सूखी हुई मशरूम है,
ये उसकी सेवियां बनी हुई हैं, ये पापड़ बना हुआ है और ये मेडिसिनल मशरूम है मोरशेला, ठीक है। तो शायद आपने पहले कभी इस तरीके से मशरूम की खेती देखी होगी, इतनी वैरायटी देखी होगी और उसके साथ साथ उससे बनने वाले प्रोडक्ट भी देखे होंगे। पापड़ की बात करें, सेवियों की बात करें, मेडिसिन तक जो है मशरूम से बन रही है। तो हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी कि अब मशरूम की पैदावार से आप 400 गुना तक की कमाई कर सकते हैं। और जो कृषि ये इस तरह की जो खुम्बिया अपने प्रयोग में लाते हैं, अगर वो इस तरीके की वैरायटी यूज करेंगे तो शायद उनके लिए उससे ज्यादा जो है पैदावार भी होगी और ज्यादा कमाई भी हो सकती है। इसमें मैं एक चीज और यूज करना चाहूंगा कि जैसे हम ज्यादातर हमारे नॉन वेज वैसे ज्यादा नहीं खाते हरियाणा में, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो मशरूम को खाएंगे तो ये उनके लिए एक अच्छी डाइट रहेगी, प्रोटीन रिच डाइट है। इसमें उनको सबसे बेस्ट मशरूम कौन सी अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करें? अब मेरे लिए तो सारी मशरूम ही अच्छी है अगर मैं सही बताऊं तो, लेकिन इनका यूज अलग अलग है सभी मशरूम का। तो मैं उनको ये अपील करना चाहता हूं कि भाई वो मशरूम खाएं, स्वस्थ रहें और अपनी जो इम्यूनिटी लेवल है उसको इंक्रीज करें इसको खाके। वहीं अगर बात करें इन अलग अलग वैरायटी की मशरूम की, तो इनके क्या क्या यूज है, किस तरीके से जो है हम इनको अपनी डाइट में ले सकते हैं वो भी जान लेते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जो है हरियाणा के जो भी किसान है वो जानते हैं इस तरह की जो वैरायटी है यहाँ मशरूम की मिलती है और उसके अलग अलग फायदे भी और अलग अलग यूज भी है। हाँ जी बिल्कुल है। देखिए मशरूम इटसेल्फ ही एक औषधि है, ठीक है, जिसको मैं बता रहा हूँ कि खाओगे तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दोगे। लेकिन जैसे हमारी सफेद खुम्बी होती है वाइट बटन, तो उसके अलावा जो मैं कहता हूँ कि ये ऑयस्टर क्यों बीजनी चाहिए, तो ऑयस्टर के फायदे ये हैं कि उसमें विटामिन ज़्यादा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है बटन के मुकाबले में। बटन में वैसे आपको विटामिन D3 मिल जाता है, वो हमको हर प्रकार की मशरूम में मिलता है, आपको कहीं कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी दुकान में जाने की जरूरत नहीं। मशरूम खाओगे आपका विटामिन डी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आपको बहुत सी बीमारियां नहीं लगेंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये ओरिकुलेरिया है, तो ओरिकुलेरिया का क्या फायदा है, ओरिकुलेरिया खाने से हम अपना हार्ट बीट है जो, ठीक है, उसको स्टेबल कर सकते हैं, हमारा शुगर लेवल ठीक रहता है और उस सारे किस जैसी ये चीज़ें हमारी स्टेबल हो जाती हैं तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब ये पोर्टोबेला के बारे में एक छोटी सी चीज बताऊंगा, पोर्टोबेला के बारे में छोटी सी चीज बताऊंगा। मैं इसको बर्गर मशरूम क्यों कह रहा था कि इसको एज सच आपको फास्ट फूड खाने की भी जरूरत नहीं, जिसको ज्यादा दिल कर रहा है कि मैं बर्गर खाऊं किसी जाके, तो आप इसको एज सच बर्गर यूज कर सकते हो और इसके अंदर फिलिंग करके आप इसको एज अ बर्गर भी खा सकते हो। तो इसीलिए मशरूम के अलावा किसी और चीज पे जाने की जरूरत नहीं है, दी बेस्ट है आपके लिए। ये बर्गर है या फिर मशरूम, सवाल तो यही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मशरूम है जो कि बर्गर की शेप में है और आपको आप इसको बर्गर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो फिलिंग है उसके अंदर अपना जो भी मटेरियल है वो भर सकते हैं और इसको यहाँ से जो है साफ करके आप बर्गर भी अपना बर्गर मशरूम जो है इसके अंदर खा सकते हैं। और जिनको जो है इस तरह की वैरायटी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सर इसका नाम बता दीजिए, पोर्टोबेला मशरूम इसका नाम है। तो इस बर्गर जैसे मशरूम को पोर्टोबेला बोलते हैं, जो कि एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आपको इसकी शेप बर्गर की तरह दिखाई देती है। इस वक्त मेरे साथ बहुत सी जनता मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या लगता है कि शुद्ध वातावरण जो है इस तरह की सब्जियों को उगा सकता है या फिर इन्होंने किसी केमिकल को यूज किया हुआ है इसमें? नहीं जी, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, और ये शुद्ध वातावरण में भी ऐसी सब्जी होती है, वैसे कुछ भी मिलावट नहीं है इसमें, सभी कुछ रियल में है, असलियत है ये सब कुछ। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? लग तो सही रहा, बाकी पता नहीं जी क्या नेचुरल है। नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक ढंग से है और इसको पेस्टिसाइड भी उसी के पानी के जरिए ही दिया जाता है, न कि ऊपर डाला जाता है जमीन में जाके मिक्स होता है। तो यहाँ पर लोगों का भी यही मानना है कि ये जो है काफी शुद्ध वातावरण में जो है ये उगाई गई है, जिसकी वजह से जो इनका रंग है इस तरीके से निखर कर आ रहा है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि ये जो फार्मिंग की गई है जिससे ये रंग निखर कर आ रहा है, ये शुद्ध वातावरण की वजह से है या फिर किसी पेस्टिसाइड्स की वजह से है या किसी केमिकल्स की वजह से है?